यूपी के चुनावी समर में आज सुपर संडे का दौर साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में आम सभा को संबोधित करने से पहले कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में विजय यात्रा को संबोधित करेंगे। आज का रविवार राजनीति के दौर में सुपर संडे साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समर में आज दो बड़े दिग्गज चुनावी मैदान को संबोधित करने के लिए एक लिहाज से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व विख्यात खेल उपकरणों का उत्पाद करने वाले मेरठ को बड़ी सौगात देने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान अघोरनाथ का दर्शन किया और उसके बाद शहीद स्मारक को उन्होंने काफ़ी देर तक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां नम आँखों से लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग के बजाय सड़क मार्ग से मेरठ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उत्तर प्रदेश के चुनावी समर को देखते हुए एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कुछ नामचीन खिलाड़ियों को वो पुरस्कार भी देंगे और उनसे संवाद भी स्थापित करने का कार्य करेंगे। मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की चुनावी महक आ रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ अपने विजय यात्रा को लेकर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार दौरे कर रही हैं और लगातार चुनाव अभियान में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का इस मंच से उद्बोधन होगा और वहीं समाजवादी विजय यात्रा को आज अखिलेश यादव भी संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी को वो किसी की भी कीमत पर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सत्ता से सत्ताच्युत करेंगे और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चुनावी समर और भी घमासान होने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की अस्पष्ट लड़ाई यहाँ देखने को मिल रही है और ऐसे में ये बड़ा चुनावी समर देश के लिए भी साबित होगा। मुखर संवाद के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।